मध्य प्रदेश का आगर मालवा, यहाँ पर एक फर्जी डॉक्टर मदरसे में क्लिनिक चला रहा था। इस क्लिनिक पर जब अधिकारियों की टीम छापेमारी करने पहुंची तो डॉक्टर और उसके साथियों ने उन्हें बंधक बनाने का प्रयास किया। जैसे तैसे अधिकारियों ने वहां से निकलकर अपनी जान बचाई, साथ ही वहां मौजूद मरीजों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इसके अलावा पुलिस ने क्लिनिक संचालक नासिर लाला, जुबैर खां, जावेद खां के खिलाफ आईपीसी की तमाम धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की और आगे की जांच कर रही है। इंडिया टुडे के पत्रकार प्रमोद कारपेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कई दिनों से क्षेत्र में फर्जी डॉक्टर द्वारा कोरोना मरीजों के इलाज की शिकायत मिल रही थी। इसी शिकायत के आधार पर सीएमएचओ और पटवारी ने मदरसे में चल रही क्लिनिक पर छापेमारी की। आरोप है कि यहां मौजूद फर्जी डॉक्टरों द्वारा अधिकारियों को बंधक बनाने का प्रयास किया गया, साथ ही मरीजों के परिजनों की भीड़ को प्रशासन की टीम के खिलाफ भड़काने की भी कोशिश की। उनको अधिकारियों को जान से मारने तक के लिए उकसाया गया, पर जैसे तैसे अधिकारी कमरे से बाहर आए और फोन के जरिए पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाया। पर जब तक पुलिस आई, इतने में आरोपी डॉक्टर मौके से फरार हो चुका था, जिससे उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। ये दादागिरी कर रहे हैं अंदर जाकर के, और इतने दादागिरी, हमारा दरवाजा रोक लिया इन्होंने अंदर और हमें मारने दौड़ रही है। ये सीएमएचओ साहब को हमको मारने दौड़ रही है। दूर खड़ा दूर। एसडीएम राजेंद्र रघुवंशी ने मीडिया से बात करते हुए बताया, 15 दिन पहले इस क्लिनिक के बारे में पता चला था कि मालीखेड़ी रोड के पास झोला छाप डॉक्टर मदरसे में मरीजों का इलाज कर रहा है, जबकि उसको पहले भी हिदायत दी गई थी कि वो इस तरह मरीजों का इलाज ना करे। साथ ही क्लिनिक बंद भी करवाई गई थी, पर मनमानी करते हुए उसने दोबारा से क्लिनिक खोलकर इलाज करना शुरू कर दिया। इसमें कोरोना के मरीजों के साथ साधारण सर्दी खांसी वाले मरीजों का भी इलाज किया जा रहा था। वहीं सीएमएचओ ने बताया कि वे वीडियो बनाने के लिए क्लिनिक के अंदर गए हुए थे। डॉक्टर, उनके लड़के और अन्य लोग उन पर हावी होने लगे, साथ ही मरीजों के परिजनों को उकसा रहे थे कि इनको जान से मार डालो। अंदर से दरवाजा भी बंद कर दिया। जैसे तैसे करके हम लोग बाहर आए और पुलिस फोर्स को जानकारी दी। फिलहाल केस दर्ज करके पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी उमा ने। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से देश में हालात काफी बिगड़े हुए हैं। आप लोग भी अपना ध्यान रखें, अपने घरों के अंदर सुरक्षित रहें। घर से बाहर सिर्फ तभी निकले जब कुछ जरूरी काम हो। जब भी आप अपने घर के बाहर निकलें तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर आप कोरोना वायरस से रिकवर कर गए हैं और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एलिजिबल हैं, तो प्लीज़ प्लाज्मा भी ज़रूर डोनेट करें। शुक्रिया।